क्वेश्चन है आपके सामने बाबू, साइंस का क्वेश्चन है, नेम द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या लिखा गया है बेटा? नेम द थ्री स्टेट्स। नेम मीन्स क्या होता है? नाम। बहुत बढ़िया। थ्री माने क्या होता है? तीन। स्टेट मीन्स क्या होता है? अवस्था। अवस्था एस टी ए टी ई। इस स्टेट का माने राज्य होता है। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हो गया? अवस्था हो गया। ओके, कोई दिक्कत आपको? समझ में आ गया? तो देख सकते हैं आप, ठीक है? तो नेम द थ्री स्टेट्स ऑफ, आपको क्या लिखना है? मैटर लिखना है। ऑफ माने क्या होता है? का होता है। मैटर मीन्स क्या होता है? पदार्थ होता है। क्या होता है? पदार्थ। पक्का? यस सर। बुक्स आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है? सीबीएसई का ये साइंस है, क्लास फाइव का है, लेकिन जानकारी अगर क्लास वन का भी बच्चा अगर तेज है तो वो क्या कर सकता है? बता सकता है। नेम मीन्स क्या हुआ? थ्री मीन्स तीन। स्टेट मीन्स अवस्था। ऑफ मीन्स मैटर मीन्स। समझ में आ गया? बोल बोल के पढ़िए बेटा, बोलिए। नेम द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। चलिए एक बार और पढ़िए, होती है मैटर की, पदार्थ की। पहला है, यहाँ बुक में दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे, सॉलिड। सॉलिड सॉलिड मीन्स होता है ठोस अवस्था। सॉलिड पहले का क्या नाम हो गया बाबू? दूसरे का नाम हो गया ली। समझ में आ गया? द लिक्विड्स, ठीक है? जब लिक्विड्स लगा दिए तो यहाँ भी एस लगा देंगे, सॉलिड्स हो जाएगा, लिक्विड्स। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है? गैस। जी ए एस ई एस, गैसेस। गैसेस हो गया, सॉलिड्स लिक्विड्स गैसेस हो गया। बोल सकते हैं नेम द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड। यस, ओके। कोई ऐसा बच्चा है जो जाकर के इसको पढ़ के आंसर बता सकता है? होए, जाइए। क्या नाम है आपका? स्वीटी कुमारी, जाइए पढ़िए। तो नेम द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैसेस। फिर से पढ़िए इसको। नेम द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैसेस। ओके, थैंक्स, गो नाउ। ठीक है? यस सर। तो आप लोग इसी तरह से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? याद करेंगे।